हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फाइव पैसा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स FPO सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस FPO इशू की सारी जानकारी चाहिए तो गाइज प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फाइव पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइज शुरू करते हैं सिनॉप्सिस के साथ। इस FPO का इशू ओपन होगा ऑन 27 जनवरी और क्लोज होगा ऑन 31 जनवरी। FPO की टोटल वर्थ है ₹20,000 करोड़। लॉट साइज है 4 शेयर्स पर लॉट और रिटेल इन्वेस्टर्स 15 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹3,112 टू ₹3,276 पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स को ₹64 का डिस्काउंट भी दिया गया है। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 3rd February और IPO लिस्टिंग डेट है 8th February की। ICICI Securities, Jefferies India Private Limited, SBI Capital Markets Limited, Axis Capital Limited, BOB Capital Markets Limited, IDBI Capital Markets Services Limited, JM Financial Limited, IIFL Securities Limited, Monarch Networth Limited, Elara Capital Private Limited issue के book running lead managers हैं। इस issue के net proceeds इन तीन तरीकों से use होंगे। Number one, ₹10,869 crore use किए जाएंगे capital expenditure requirements को fund करने के लिए। ये funds green hydrogen ecosystem, एयरपोर्ट फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज होंगे। नंबर टू, ₹4,165 crore यूटिलाइज होंगे अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एंड मुंद्रा सोलर लिमिटेड से रिलेटेड डेट की रीपेमेंट के लिए। नंबर थ्री, कुछ फंड्स यूटिलाइज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। चलिए कंपनी की फंक्शनिंग और इसके वेरियस बिजनेसेस के बारे में अब जानते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड गौतम अदानी लेड ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म है। कंपनी का पिछले साल मार्केट कैप ऑलमोस्ट डबल हुआ है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है। ग्रुप के अंदर एस्टैब्लिश यूनिकॉर्न्स हैं जैसे कि अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी एंड अदानी टोटल गैस। कंपनी इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का एंडेवर करती है। अदानी ग्रुप के अंदर ये बिजनेसेस आते हैं माइनिंग सर्विसेज, एडिबल ऑयल एंड फूड्स, वाटर, डेटा सेंटर्स, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एयरपोर्ट्स, रोड्स, मेट्रो एंड रेल। AEL मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी एंड थिरुवनंतपुरम में 7 एयरपोर्ट्स ऑपरेट और मैनेज करती है और नवी मुंबई में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी मैनेज करती है। द कंपनीज टोटल रेवेन्यू ग्रू टू ₹70,432.70 इन FY22 फ्रॉम ₹40,290.90 crore इन FY21 एंड ₹44,086.20 crore इन FY20। द पैट ग्रू टू ₹1,040 crore इन FY22 and ₹1,046 crore in FY21 from ₹788 crore in FY20. The ROE stood at 25.52% in FY22, 30.53% in FY21 and 23.66% in FY20. The ROCE stood at 33.33% in FY22, 37.91% in FY21 and 31.31% in FY20. The company's total assets increased to ₹10,01,760 crore in FY22 from ₹51,642 crore in FY21 and ₹46,898.40 crore in FY20. The total borrowings too increased to ₹41,604 crore in FY22 and ₹16,227 crore in FY21 and ₹12,419 crore in FY20. Guys, हर कंपनी की कुछ strengths और weaknesses तो होती ही हैं। चलिए पहले अदानी Enterprises Limited की strengths पर नजर डालते हैं। कंपनी एक बिजनेस इंक्यूबेटर है और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेसेस को इंक्यूबेट करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। कंपनी इंडिया में एक फुल्ली इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है। कंपनी 7 एयरपोर्ट्स ऑपरेट और मैनेज करती है जो कि नेशनल एसेट्स हैं। कंपनी इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में एक लीडिंग ग्लोबल प्लेयर भी है। अब कंपनी से रिलेटेड रिस्क के बारे में बात करते हैं। कंपनी का इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस कोल की डिमांड पर डिपेंडेंट है। अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व्ड हैं। कंपनी का माइनिंग बिजनेस कस्टमर बेस के इंक्रीज होने पर डिपेंडेंट है। एयरपोर्ट बिजनेस का रेवेन्यू एयर ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। इसका इंक्रीज या डिक्रीज होना कंपनी के कंट्रोल में नहीं आता।
एक और रिस्क है फेलियर टू एग्जीक्यूट ग्रीन हाइड्रोजन स्ट्रेटजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको इस FPO के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। क्या आप इस FPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।